हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की गणित की वर्कशीट नंबर वन, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई की है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम। बच्चों आइए हम गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को का अभ्यास करते हैं। दिए हुए प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, संबंधित संक्रियाँ लगाइए और उत्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड ये सब आपको सोचना है कि क्या लगाना है। रानी के पास 452 रुपये हैं, उसके पिताजी उसे 289 रुपये देते हैं, बताइए रानी के पास कुल कितनी राशि है। तो भाई हम दोनों को जोड़ देंगे, 452 और 289 को जोड़ेंगे तो 741 आ जाएगा, ठीक है। रोहित के पास 712 रुपये हैं, उसके भाई उससे 289 रुपये ले लेता है। रोहित के पास अब कुल कितनी राशि बची, तो भाई हम घटा के बता सकते हैं, 712 में से 289 को माइनस करेंगे, 423 423 रुपये अब उसके पास बच गए। देखिए प्लस माइनस ये सब तो आपको आता है, ये मैं समझा नहीं रही हूँ नाइन्थ क्लास में। आप पार्क में 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद हैं, तो बताइए कुल कितनी गेंद है, यानी कि एक के पास 13 हैं और 49 बच्चे हैं तो आप गुणा करेंगे, तो यानी कि टोटल कितनी गेंदें हैं, 637। सोनू के पास 1014 सेब हैं, सोनू उन सेब को तीन तीन की पंक्ति में लगाना चाहता है, यानी कि तीन 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 तीन। अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी पंक्ति वो लगाएगा, कितनी लाइन लगाएगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तीन से तीन को 1014 से भाग करेंगे, ठीक है। तीन से 1014 को भाग करेंगे, 338 आएगा, तो 338 पंक्ति उसे 338 सेब उसे लगाने पड़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं, मैं आप रफली आपको ये समझा रही हूँ, फिर मैं आंसर दिखा दूँगी, ठीक है। एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं, आज 76 विद्यार्थी उन अनुपस्थित हैं, यानी कि एबसेंट हैं, कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल में से एब्सेंट को माइनस कर देंगे तो उपस्थित निकल आएगा। सेकेंड है, एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यानी कि एब्सेंट हैं, और टोटल 726 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले कुल कितने विद्यार्थी। अब आप देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे एब्सेंट है, 20 बच्चे प्रेजेंट है, तो टोटल कितने बच्चे हुए, 30 हुए, तो आप क्या करेंगे, 24 और 726 को जोड़ देंगे। फिर है, लता के पास 309 और रघु के पास 174 खिलौना कार हैं, उन दोनों के पास मिलाकर कुल कितने खिलौना कार हैं, तो कुल जोड़ना है, ठीक है। परीक्षा में अली को 431 और मनी को 331 अंक प्राप्त हुए, अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो भाई 431 में से 331 को घटा दो, 100 अंक उसको ज़्यादा मिले, 100 नंबर। चुन्नी के पास 8 फूल हैं और मुन्नी के पास उससे 3 गुना है, तो बताइए मुन्नी के पास, तो भाई 8 का 3 गुना कितना होता है, 8 को 3 से गुणा कर दीजिए, 24 फूल। एक पोशाक है, 3 अलग अलग माप की है और 4 अलग अलग रंगों से बनाई है, बताइए कुल कितनी पोशाक है, तो एक पोशाक 4, दूसरी 4, तीसरी 4, तो 3 गुणा 4 12 पोशाक है। सेवन्थ क्वेश्चन है, हमारे पास 567 पौधे हैं, रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है, बताइए उसे कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये बिल्कुल सेफ जैसा है, आप क्या करेंगे 567 को 9 से भाग कर देंगे, भाग करके जो भी आंसर आएगा वो पंक्तियों की संख्या आ जाएगा। फिर एट क्वेश्चन में देखिए, इनको जोड़ना है आपको, तो आप जोड़ देंगे, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, इजी है। फिर है आपका बोर्ड मास, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड को यानी कि गुणा को, फिर भाग को, सॉरी भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटा को। सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं, ब्रैकेट को, फिर भाग को हल करेंगे, गुणा को हल करेंगे, जमा को हल करेंगे, घटा को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 5, अब इस भाग को करेंगे यानी कि 20 को 5 से भाग देंगे, 4 आंसर आएगा। फिर गुणा को करेंगे, 9 गुणा 1 9, इसके बाद फिर जमा को करेंगे, 41 में 9 को जोड़ेंगे 50, अब घटा कर देंगे, 50 में से 4 गया 46। इसी पे बेस ये 3-4 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, चलिए हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वही कुल विद्यार्थी 725 से अनुपस्थित 76 थे, माइनस करके उपस्थित कितने हुए, 649। सेकेंड क्वेश्चन में अनुपस्थित विद्यार्थी 24 थे, उपस्थित 726 थे, तो कुल विद्यार्थी कितने हुए, दोनों को जोड़ देंगे, 750 विद्यार्थी आंसर आ जाएगा। लता के पास खिलौना कार 309 थी, रघु के पास 174 थी, दोनों को मिला के कितना हुआ, 483। अली ने 431 मिले, मनी को 331 मिले, तो अली को कितने ज़्यादा नंबर मिले, 100 नंबर ज़्यादा मिले। चुन्नी के पास 8 फूल थे, मुन्नी के पास उसके 3 गुना थे, तो 24 हो गया। अलग अलग माप की पोशाक 3 थी, अलग अलग रंग की 4 थी, कुल पोशाक कितनी हो गई, 12।
कुल पौधे 567 थे, एक पंक्ति में 9 पौधे हैं, देखिए मैंने डिवाइड करके बता रखा है, 63 पंक्ति में वो पौधे लगेंगे। फिर देखिए ये जोड़ है, घटा है, गुणा है, भाग है, ये आप कर सकते हैं। इसमें छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, 5 एकम 5, 0 लिखा, 0 में नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 लगाते हैं, फिर 0 लिखा, ना जाने की, फिर 0, फिर 5, 5 एकम 5। इसके बाद देखिए बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ देखिए पहले हम भाग वाले को सॉल्व करेंगे, तो 3 15 को 3 से भाग करूँगी 5 आएगा। अब गुणा वाले सॉल्व करेंगे, 5 को 5 से भाग करेंगे 25, 200 में से 25 को घटाएंगे 175। यहाँ देखिए 24 को 3 से भाग करेंगे 8 आएगा। उसके बाद गुणा वाला करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 8 में से 8 गया 0। यहाँ देखिए यहाँ पे भाग करना है, 6 को 6 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 आएगा, 5 जमा 5 7। यहाँ देखिए सिर्फ घटा और भाग है, तो पहले भाग को करेंगे, 8 को 4 से भाग करेंगे 2 आएगा, 21 में से 2 गया 19। तो यहाँ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फिनिश होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।